आप लोग ये जानते हो कि 8वां क्लास के बोर्ड परीक्षा में मैथ में कितने प्रश्न रहते हैं? प्रश्नों की कुल संख्या 50 होती है और सारे प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, उसके चार आंसर लिखे हुए रहेंगे, उसमें से सही आंसर आपको चुनना है। ठीक है, आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? जीरो होगा। इसका आंसर लिखना होगा जीरो, तो आप लिख सकते हो ए और इसके बाद जीरो, इस तरीका से। पूर्ण संख्या का परिभाषा किसी को याद है? जीरो क्यों होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगा, क्यों? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो क्यों होगा? सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या का परिभाषा होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या आप कह सकते हो गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू क्यों हो रहा है? मैंने आप लोगों को बतलाया परिभाषा, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोगों को कोई भी वस्तु को गिनती करना है, जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ छोटा छोटा गोला बना हुआ है, इसको जब हम लोग गिनती करेंगे तो कैसे गिनती करते हैं? ऐसा करते हैं क्या 2, 3, 4, 5, 6, या ऐसा करते हैं क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? नहीं, कैसे करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हम लोग किसी भी वस्तु को जब गिनती करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। कुछ भी चीज़ गिनती करना हो, गाय की संख्या गिनती करना हो, बॉयज़ की संख्या गिनती करना हो, या गर्ल्स की संख्या गिनती करना हो, कोई भी चीज़ हम लोग गिनती करते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं? एक से। और एक से जो हम लोग गिनती करते हैं उस संख्या को किस तरीके से लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। और इन्हीं संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा तुम लोग याद कर लोगे, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यदि मैं आप लोगों से ये पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तब क्या बोलेंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हुआ? एक। और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या इन्फिनाइट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अनंत या परिभाषित नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा? अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है, या हम बोल सकते हैं परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक परिभाषा और आप लोग समझ लें, पूर्ण संख्या।
होल नंबर्स, ठीक है। पूर्ण संख्या, इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होल नंबर। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on। यदि हम इसमें जीरो मिला दें तो अब जो संख्या का समूह बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे छोटा संख्या कौन है? जीरो। तो प्रश्न ये था सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। तो आंसर होगा कहाँ है जीरो? वो जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या परिभाषित नहीं है, या हम लिखेंगे इन्फिनाइट, अनंत, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या सारे बच्चे समझ गया? प्रश्न ये है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इसमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? कैसे होगा? प्रश्न ये है, केवल आंसर बोल देने से नहीं होगा ना, कैसे होगा? मैथ जब भी पढ़ो तो जो बना रहे हो उसके बारे में ये समझना होगा कि जो हम बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या समझना होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो वन से और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या। फोर, सिक्स, एट, नाइन, ये सब भाज्य संख्या है। हम भाज्य संख्या क्यों कह रहे हैं? चार, चार को यदि हम भाग देंगे तो चार कौन कौन सी संख्या से, कौन कौन सा अंक से कटेगा? चार एक से कटेगा, चार चार से कटेगा, और इसके अलावे यह दो से भी कट रहा है, ठीक है। भाज्य संख्या का दो से अधिक फैक्टर होता है, भाज्य संख्या का दो से अधिक फैक्टर्स होता है, दो से अधिक गुणनखंड होता है। जैसे यहाँ पर देखो चार, चार 1, 2 और 4 से कट रहा है, तो चार का फैक्टर कितना हो गया? 1, 2, 3, तीन का फैक्टर हो गया। इसके पहले अगर हम संख्या लें तीन, इसके पहले क्या आता है? तीन। तो तीन कटता है एक से और तीन कटेगा तीन से। ये दो के अलावा कोई और संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इसलिए जो तीन है यह भाज्य संख्या नहीं है, यह क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तीन के पहले क्या है? दो।
दो भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह भी वन से कटेगा और टू टू से कटेगा, वन और टू के अलावा कोई तीसरा संख्या से नहीं कटेगा। तो भाज्य संख्या जो होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? चार। इसलिए इसका आंसर लिखना होगा आपको बी, चार। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है? गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले ये समझना होगा कि गुणात्मक तत्समक कहते किसे हैं। वैसा संख्या जिससे किसी भी संख्या को यदि हम गुणा करेंगे तो वह संख्या का वैल्यू जो है सेम टू सेम रहेगा। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 5, तो 5 में हम किस संख्या से गुणा करें कि इसका वैल्यू 5 ही रहे, तो कितना से गुणा करना होगा? 1 से। 6 में हम कितना से गुणा करें कि इसका वैल्यू 6 ही रहे, तो क्या होगा? 1। ठीक है, तो ये जो 1 है, 1 से ये संख्या को जो हम गुना कर रहे हैं और गुना करने के बाद इन संख्याओं का वैल्यू वही रहता है। ठीक है, इसलिए हम 1 को क्या कहेंगे? गुणात्मक तत्समक। क्या बोलेंगे? गुणात्मक तत्समक। और इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी ध्यान से देखें। 9/-7 का योज्य प्रतिलोम है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? योज्य प्रतिलोम पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो। जब दो परिमेय संख्याओं का योगफल, जब दो परिमेय संख्याओं का योगफल शून्य होता है, तब दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 5 और -5, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों का योगफल कितना होगा? 0 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 ±-5, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ रहा है ना। यहाँ पर 5 को -5 का योज्य प्रतिलोम बोलेंगे और -5 को 5 का योज्य प्रतिलोम बोलेंगे। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -7। -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 7। 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1/2। -1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 9/-7 का योज्य प्रतिलोम लिखना है, यह माइनस है तो इसका आंसर होगा प्लस वाला, कौन? ए। आंसर ए, 9/7। क्या ठीक है? जहां दिक्कत होगा समझने में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब समझते हो क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, इसमें से देखो कौन सा परिमेय संख्या है जो स्वयं का व्युत्क्रम है। यदि हम 0 का उल्टा लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? 1/0। 2 का उल्टा लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? 1/2। ठीक है, और बी का -1 का उल्टा हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? 1/-1। उल्टा मतलब 1/ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 1 को जब 0 से हम भागा देंगे
तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आ रहा है इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/2 इसको भाग देने पर क्या आ जाएगा, 0.5। लेकिन 1 को -1 से भाग दोगे तो कितना आएगा, -1 ही रहेगा, ठीक है। तो -1 का यदि हम उल्टा भी करते हैं तो इसका वैल्यू -1 ही रहता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा बी -1।